महाराष्ट्र सरकार में है कौन? आज तो वो व्यस्त है पूरे दिन कर्नाटक में, आज भी कल भी शायद व्यस्त रहेंगे। पूरा देश अगर आप देखें तो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। जो जिनकी जिम्मेदारी है वहां का हिंसा रोकने की, वो आज तो शायद कर्नाटक में होंगे। लेकिन यही बात है कि महाराष्ट्र के जैसे वहाँ विद्यार्थी है और अन्य सारे लोग हैं, वहाँ की भी जनता जो है मणिपुर की, मुझे उनके बारे में भी आज चिंता है, क्योंकि वो भी इसी हिंसा के आप देख रहे हो कि बलि बन रहे हैं। यही डरावनी बात है, यही डर की बात है कि ये हिंसा कहीं ना कहीं अभी रुका नहीं, तो उसका आगे क्या हो सकता है, यही बात। आदित्य बयान आया है सीएम का, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कौन से सीएम, एकनाथ शिंदे सीएम या दूसरे सीएम डीसीएम? नहीं नहीं, एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उनका ये कहना है कि मणिपुर में जो छात्र फंसे हैं उसके लिए चीफ सेक्रेटरी को बोला गया है चार्टर्ड प्लेन के जरिए छात्रों को लाया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के छात्रों से बात भी की है, जिसमें वो खुद बता रहे छात्र डरे हुए हैं। क्या इस मामले में महाराष्ट्र सरकार, मैं उनसे यही देरी से उठाया गया कदम नहीं, मैं उनसे यही विनती करूंगा, क्या है कि मिंदे सरकार को लोग भगाने की एक आदत है। अगर आपने देखा होगा तो 40 लोग यहाँ से कैसे भगा कि सूरत लेके गए, गुजरात लेके गए, गुवाहाटी लेके गए, तो यही यंत्रणा का इस्तेमाल करें जैसे उन्होंने किया था, और वहाँ के जो फंसे लोग हैं उनकी मदद करें। लेकिन आप देखें तो अगर यही एक सीरियस बात है कि आज भी उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है, चीफ सेक्रेटरी साहब और सारी जो हमारी यंत्रणा है वो तो काम करिए, लेकिन अगर आप देखें तो सीएम साहब तो व्यस्त है, सीएम साहब प्रचार में व्यस्त है, सीएम साहब को बारसू के बारे में बात करने के लिए वक्त नहीं है, सीएम साहब को अजनीवन हो, आरे हो, रिवर फ्रंट डिस्ट्रक्शन हो पुणे का, इसके बारे में जनता से मिलने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि आज वो प्रचार में व्यस्त है। वैसे ही मणिपुर में जो हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, हमारे जो दोस्त फंसे हुए हैं या जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनके बारे में भी चिंता है, लेकिन आज मुख्यमंत्री के दौर पे वो तो व्यस्त है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।